बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल गोवा की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज आप सिक्स क्लास की मैथ का यूनिट नंबर टू पढ़ेंगे। यूनिट नंबर टू के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और होल नंबर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ये, और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। इन वन और जीरो की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि गिनती में यानी नंबर्स में किसी और फिगर के पास नहीं है, किसी भी और फिगर के पास, नंबर के पास वो खसूसियात नहीं है जो जीरो और वन के पास है, ठीक है ना। इनकी कुछ यूनिक खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ ऐसी खसूसियात जो जीरो के पास हैं और किसी फिगर के पास नहीं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, उसको कहते हैं क्या कहते हैं सर? एडिटिव आइडेंटिटी। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये ऐसी खसूसियत है। इस खसूसियत का मतलब ये है कि जीरो जो है, जो जीरो, जीरो की बात हो रही है ना, अब जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो को किसी भी फिगर में आप जमा कर लें तो जवाब हमेशा जीरो ही आएगा। इफ जीरो इज एडेड टू एनी नंबर द रिजल्ट विल बी द सेम, वही नंबर रहेगा। यानी जीरो में दो है, फर्ज करें टू है, टू में अगर मैं जीरो जमा करूं क्या जवाब आएगा? टू। फाइव में जीरो जमा करें जवाब आएगा फाइव। जीरो का आप सादा मिसाल आप ले लें, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जीरो तो कुछ भी नहीं होता ना, खाली होता है ना। अगर आपके पास फाइव रुपीज है, मैं आपको जीरो रुपीज दे दूं, जीरो रुपीज दे दूं, क्या हो जाएंगे आपके पास? वही फाइव रहेंगे, कुछ भी नहीं दूंगा। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा? फाइव ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास थ्री ट्रॉफीज हैं, अगर आप थ्री ट्रॉफीज हैं और मैं आपको जीरो ट्रॉफीज दे दूं तो फिर वही थ्री रहेंगे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो, यानी जीरो की जमी खासियत। जीरो की जमी, उर्दू में से जमी खासियत कहते हैं, जमी जाती अंसर भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। जिस चीज में आप जीरो को जमा करें जवाब जीरो ही आएगा। फाइव प्लस जीरो इक्वल टू फाइव। फाइव में आप यहां कहते हैं इस तरह से, अगर फाइव में जीरो को जमा करें तो जवाब क्या आएगा? जीरो। फाइव आएगा, फाइव का फाइव ही रहेगा ना, ठीक है ना। अगर थ्री में जीरो जमा करें तो जवाब वही थ्री का थ्री होगा। अगर जीरो प्लस थ्री हो तो क्या जवाब आएगा? थ्री, ठीक है ना। जीरो किसी भी अगर फिगर में आप जीरो को जमा करेंगे वही का वही आंसर है। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो की खासियत, पहली खासियत है ये जमी जाती आंसर कहते हैं उर्दू में, ये जीरो। इसके बाद दूसरा जो है, अगर जीरो को आप किसी भी फिगर के साथ मल्टीप्लाई करें यानी जर्ब करें, जीरो को आप उसको किसी भी फिगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही यानी जीरो आएगा। थ्री प्लस जीरो हमने कहा था थ्री, ठीक है ना। लेकिन अगर जीरो को किसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जर्ब करेंगे तो जवाब जीरो हो जाएगा। जर्ब और तकसीम में जीरो जो है वो सब कुछ जीरो कर देता है, सब कुछ जीरो कर देता है। जमा और मनफी में जवाब वही रहता है, तब्दील नहीं होता। यानी सात में से जीरो माइनस करें सात ही आएगा, ठीक है। सात में से जीरो माइनस करें सात जवाब आएगा ना। जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे, आपके पास सेवन रुपीज है, मैं कह दूं आप मुझे कुछ भी नहीं दे दें, जीरो दे दें, तो आपके पास वही रहेंगे ना। यानी आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना, आपके पास क्या रहेंगे? वही सेवन ही रह जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास फाइव रुपीज है और मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा तो भी आपके पास फाइव रहेंगे। जमा और मनफी में कोई तब्दीली नहीं होती, जमा और मनफी में तब्दीली कोई नहीं होती, जवाब वही का वही रहता है। लेकिन जर्ब और तकसीम करते वक्त, जब आप जीरो पर किसी फिगर को जर्ब करेंगे या
तकसीम करेंगे तो जवाब क्या है वो जीरो में आ जाएगा, जो जीरो उन दोनों को भी जीरो कर देगा, ठीक है ना। अगर हम यूं करें 3 × 0 = 0, 3 0 0 5 0 0 यानी 10 0 0 जीरो किसी से भी जरा खाता है मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी जीरो कर देता है। आ रही समझ आपको? और ये है कि अगर आप किसी से तकसीम करें, तीसरी खासियत ये दूसरी थी ना, तीन प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीरो की, जो यूनिक है, जो सिर्फ जीरो के पास है और किसी के पास नहीं है। पहली खासियत हमने पढ़ी कि जीरो को किसी भी फिगर के साथ अगर जमा करें तो जवाब वही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। जीरो को किसी फिगर से माइनस करें तो भी जवाब वही रहेगा, तकसीम नहीं होगा। दूसरी ये कि अगर आप थ्री को यानी जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब जीरो हो जाएगा। अगर आप किसी फिगर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जीरो हो जाएगा। अगर आप यानी जीरो को मल्टीप्लाई करें सिक्स के साथ तो क्या आंसर आएगा? जीरो। सिक्स जीरो जीरो। जीरो को किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। और इसी तरह अगर आप जीरो को किसी भी चीज के साथ डिवाइड करेंगे यानी तकसीम करेंगे तो भी जवाब जीरो आएगा। आ रही समझ आपको? तकसीम का मतलब क्या होता है? बांट देना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? तकसीम। तकसीम का मतलब असल में हम अपनी जबान में समझेंगे तो तकसीम का मतलब होता है बांट देना, ठीक है। क्या मतलब? बांट देना। अगर मैं 3 trophies है उसको डिवाइड करूं जीरो पे, 3 / 0 = 0, ठीक है ना। मेरे पास 3 trophies है, मैं आपको जीरो बच्चों में उसको तकसीम कर देता हूँ तो वही जीरो आएगा जवाब, आंसर जीरो आएगा, यानी मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये क्या जवाब आएगा? जीरो। अच्छा आया, अगर यूं हो 0 / 12 = 0 फिर भी जवाब जीरो आएगा। जीरो की यूनिक खासियत है, जीरो की ये यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ जीरो के पास हैं और किसी के पास नहीं है। यानी जीरो अगर किसी की किसी भी फिगर के साथ जमा हो या माइनस हो तो कोई तब्दीली नहीं होती, वही का वही फिगर जवाब आएगा, आंसर वही फिगर आएगा। और अगर जीरो किसी के साथ ज़र्ब खाए यानी डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, अगर जीरो किसी के साथ ज़र्ब खाए या तकसीम हो जाए तो आंसर उसको जीरो कर देगा, जीरो उन सबको जीरो कर देता है, आंसर जीरो आएगा फिर, ठीक है ना। यानी पहले इसके इसे पहले हमने पढ़ा कि जीरो किसी के साथ ज़र्ब खाएगा तो जवाब जीरो आएगा, जीरो किसी के साथ अब तकसीम हो जाए तब भी जवाब जीरो, ठीक है ना। याद रखें जीरो की दो प्रॉपर्टीज, अगर जीरो किसी के साथ जमा हो जाए या किसी के से मनफी हो जाए तो तब्दीली नहीं होती, जवाब वही का वही रहेगा, ठीक है, आ रही समझ। और अगर जीरो किसी के साथ ज़र्ब खाए या तकसीम हो जाए तो उसको भी जीरो कर देता है, जवाब जीरो हो जाएगा, आ रही समझ। अच्छा ये देखें, अब दो प्रॉपर्टी जीरो की मैंने पढ़ाई, आपसे मैं पूछता हूं 5 × 0 तमीला इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, वेरी गुड, क्योंकि जीरो के साथ ज़र्ब खा रहा है, मैंने कहा ज़र्ब और तकसीम के वक्त सबको जीरो कर देगा, जमा और मनफी के वक्त वही फिगर आंसर आएगा जो बड़ा फिगर होगा, ठीक है ना, जो फिगर होगा, ठीक है बेटा बेटे। अगर ऐसे हो 7 − 0 = कितना हो जाएगा, जैसे जवाब क्या होगा? 7 आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं माइनस किया, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 7 में से अगर मैं कुछ भी नहीं माइनस करूंगा तो आंसर वही 7 आएगा। ये प्रॉपर्टीज है जीरो की, किसकी प्रॉपर्टीज है ये? 7 की, जीरो, जीरो की, जीरो। मैं दो फिगर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, एक जीरो और एक वन, एक जीरो की और एक वन की मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, जीरो की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, अब बारी है किसकी? वन की। तो वन जो है वो वन की प्रॉपर्टी सिर्फ जमा और तकसीम और ज़र्ब में है, जो वन है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तकसीम में और ज़र्ब में यूनिक उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर अभी मैंने जीरो की प्रॉपर्टीज बताई, अब वन की बारी है, वन की दो खसूसियात हैं जो यूनिक हैं, बाकी फिगर्स में वो नहीं है। यानी अगर वन किसी की साथ ज़र्ब खाएगा, वन किसी के साथ ज़र्ब खाए तो जवाब कितना होगा? 3 ये देखें, ज़र्ब खाए वन किसी भी फिगर के साथ ज़र्ब खाए तो जवाब वही आएगा।
वन ने थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया, जर्ब है ना, वन को थ्री के साथ क्या आंसर आया, थ्री आंसर आया। यानी वन किसी भी फिगर के साथ जर्ब खाए तो जवाब वही आएगा, ठीक है ना। जीरो में क्या प्रॉपर्टी थी, अगर यहाँ जीरो होता तो जवाब जीरो हो जाता, ठीक है ना। लेकिन वन में ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी के साथ जर्ब खाए तो जवाब वही का वही आता। सिट बैठे, अगर वन किसी के साथ जर्ब खाएगा तो जवाब वही का वही आएगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई जर्ब कहते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये जो है वन की प्रॉपर्टी है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि वन किसी भी फिगर के साथ जर्ब खाता है तो आंसर वही का वही रहता है, ठीक है ना। ये जो मैं आपको फाइव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ ये एमसीक्यूज में आ सकती है, एक नंबर का या दो नंबर मार्क्स, एक नंबर का या दो का अगर एमसीक्यू आ जाए ना, तो यानी कि अगर आपके पास ये सवाल किया जाए ऐसे थ्री मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू डैश, या आपने बताना होगा क्या आंसर आएगा, थ्री आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो एट प्लस जीरो इक्वल टू डैश, क्या हो जाएगा जवाब, एट आंसर आएगा ना। आठ में कुछ भी जमा ना करें तो वही आठ ही रहेगा, तो यहाँ पे एट लिखेंगे। तो ये है आपके जो पहली, ये जो ये तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ऐसे आपके वो आ सकते हैं एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ी वन की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वन को अगर किसी भी फिगर के साथ डिवाइड करें तो भी आंसर वही का वही रहता है, ठीक है ना। वन को किसी फिगर के साथ जर्ब करें भी आंसर वही रहेगा, अगर वन किसी आंसर के साथ किसी फिगर के साथ तकसीम हो जाए डिवाइड हो जाए तब भी आंसर वही का वही रहेगा। यानी अगर ये है 30, इसको मैं डिवाइड करता हूँ वन के साथ तो जवाब 30 आएगा, ठीक है। अगर 8 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 8, आ रही समझ। यानी अगर ऐसे हो ना, अगर आप ऐसे तकसीम करते हैं ना 1 के साथ, तो 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 1 जा रहे यूं पढ़ेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो अगर 1 को किसी फिगर के साथ आप डिवाइड करें तब भी आंसर वही रहता है, अगर 1 को किसी फिगर के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर रहता है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। अभी मैंने यहाँ लिखा था ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जीरो का मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, जीरो की थ्री प्रॉपर्टीज हैं। अगर जीरो किसी के साथ जमा हो जाए या जीरो किसी के साथ मनफी हो जाए तो जवाब वही रहता है, नो चेंज, ठीक है ना। अगर जीरो किसी के साथ जर्ब खाए या जीरो किसी के साथ तकसीम हो जाए तो वो दोनों उनको क्या कर देता है, जीरो कर देता है। ये जीरो की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, हाँ प्रॉपर्टीज है। अब वन की क्या प्रॉपर्टीज है, अगर जीरो वन किसी के साथ जर्ब खाए जवाब वही रहता है, वन किसी के साथ तकसीम हो जवाब वही रहता है, वन में नो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई। नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं, होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, उस वन और जीरो की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी जो किसी और फिगर में नहीं होती, सिर्फ वन और जीरो में होती हैं। ये प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको समझाई, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए घर में, ठीक है ना। इनके बारे में आपके जो बुक है उस पर भी आंसर क्वेश्चन खड़े होंगे, वो भी हल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अगर समझ ना आए तो इस लेक्चर को आप रिपीट भी कर सकते हैं, दूसरी दफा तीसरी दफा फिर सुने, तीन तीन दफा चार चार दफा सुने, इंशाल्लाह आप दूसरी तीसरी दफा जब सुन रहे होंगे ना, आपको अगर बुक आपके सामने खुली हुई होगी और आप गौर से सुन रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपको समय जरूर लगेगा। इंशाल्लाह, थैंक यू।